हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे आपका 2.3। 2.3 डिस्कस करने से पहले हमें एक थ्योरम करनी है जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। आपकी फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? इफ़ देर इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स, राइट, देर इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स हुज डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, हुज डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड ए इज़ एनी रियल नंबर, और ए आपका कोई रियल नंबर है, देन एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक्स माइनस ए फैक्टर होगा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का अगर पॉलिनोमियल में जब आप एक्स की जगह पे क्या पुट करते हो, ए, और जब ए पुट करने पे रिमाइंडर क्या आ जाए, ज़ीरो, राइट। ए पुट करने पे जो भी आपका पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाए, ज़ीरो। ठीक है, तो एक्स माइनस ए आपका क्या बन जाएगा, फैक्टर। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड में ये बोला है इफ़ पी ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है, इट मीन्स बेटा यहाँ से तो ये कंडीशन आ रही है, एक्स माइनस ए को मैं फैक्टर बोल सकती हूँ कब, जब मैं पी ऑफ ए को इक्वल टू ज़ीरो प्रूव कर दूंगी। अगर ये है तो ये है, राइट। देन सेकंड वाला क्या कह रहा है, अगर पी ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो है तो एक्स माइनस ए आपका क्या होगा, फैक्टर, राइट। जैसे हमने क्वेश्चन किया था 2.3 में, एक 2.3 के एग्जाम्पल से हम कुछ कर सो देखते हैं। देखो बेटा इसने क्या बोला, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, राइट। यहाँ पे डिग्री क्या है बच्चे, 3। डिग्री क्या हो गई आपकी, 3, विच इज़ ग्रेटर देन 1, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। फिर उसने बोला वेयर ए इज़ एनी रियल नंबर, जो ये वाला नंबर लिया मैंने क्या लिया, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। ठीक है, उसने बोला ये जो है ये फैक्टर होगा, इसको मैं फैक्टर बोलूँगी इस पॉलिनोमियल का, कब, जब मैं इसमें ये ए पुट करती हूँ। क्या पुट करती हूँ, ए, ध्यान देना बेटा ये माइनस ए था, वहाँ जाके प्लस ए बन गया, यहाँ मैं क्या ले रही हूँ, प्लस 1, राइट। इसको इक्वल टू क्या पुट करूँगी, 0, तो ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई, माइनस 1, जो ये रियल नंबर है, दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू अब आपके पास आ गई माइनस 1, जब आपने इसमें एक्स की जगह पे माइनस 1 पुट किया तो आपके पास क्या आ गया था बच्चे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपका क्या आ गया था, 0, राइट। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इसको मैं फैक्टर कब बोलूँगी, जब आपके पास पी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाए, 0, तो हो गया मेरा, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, दैट एक्स प्लस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पहली स्टेटमेंट ये कह रही थी, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, अब आपको ये गिवन है दैट पी ऑफ माइनस 1, ये कंप्लीट कुछ नहीं गिवन, आपको क्या दिया हुआ है, पी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको सिंपली क्या दिया हुआ है, दैट पी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। पी ऑफ माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 है तो इट मीन्स एक्स प्लस 1, यहाँ से देखो दिस इज नेगेटिव, इट मीन्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, अगर ए की वैल्यू ये गिवन है तो इट मीन्स अगर कोई एक्स में आपका फंक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब क्या निकलता है बेटा, क्या गिवन है आपको, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो इट मीन्स ये नेगेटिव है, यहाँ के पॉजिटिव, तो क्या आ गया, एक्स प्लस 1। तो ये पॉसिबल कब है, ये है तो ये है, ये है तो ये है, ये है तो ये है। कंडीशन क्या कह रही है कि अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इक्वल टू 0 होगा। आ गई बात समझ, ये थी आपकी फैक्टर थ्योरम। अब आते हैं फैक्टर थ्योरम से कुछ क्वेश्चंस जो हमने सोल्व करने 2.4 में, 2.4 के क्वेश्चंस पे आते हैं हम आपके। 2.4 क्या कह रही, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस 1 फैक्टर। फर्स्ट पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज गिवन टू बी
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन प्लस वन। ठीक है, तो मैंने माना लेट पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज गिवन टू बी दिस, राइट। आफ्टर दैट उसने मेरे को स्पेशल बोला है, मेरे को क्या प्रूव करना है, दैट एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, मेरे को ये चीज़ प्रूव करनी है। तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम मैं यहाँ से क्या करूँगी, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, मैंने कंपेयर करना है एक्स माइनस ए से, तो बेटा यहाँ पे ये था, तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, कंपेयर करूँगी तो माइनस वन, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी, माइनस वन। या फिर डायरेक्ट आप ऐसे पुट करके देख सकते हो, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। अब इसमें माइनस वन मैंने पुट किया तो क्या बन गया, माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन देन प्लस वन। इट मीन्स जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर की पावर थ्री लेते हो तो बेटा आंसर नेगेटिव, प्लस इवन लेते हो तो पॉजिटिव, देन प्लस माइनस, माइनस देन प्लस वन, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया ज़ीरो, दैट पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, ये इसका फैक्टर होगा अगर ये इक्वल टू क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, हो गया प्रूव, इट मीन्स इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। ठीक है, अब ऐसे ही इसी के सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट देखो बेटा क्या कह रहे हैं, लेट पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन प्लस वन। सेम मैंने फॉलो करना है, फिर वही लिखोगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वन को ही प्रूव करना है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस वन। तो बेटा p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन फोर प्लस माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। ठीक है, यहाँ से पावर इवन है तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। पावर ओड है तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। ये इवन है तो पॉजिटिव, प्लस माइनस, माइनस देन प्लस वन। देखो बेटा ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या बच गया, पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, विच इज़ इक्वल टू वन, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। नेक्स्ट पार्ट नंबर थ्री, एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सेम वे से पी ऑफ माइनस वन पुट करोगे, माइनस वन रेज टू द पावर फोर प्लस थ्री इंटू माइनस वन रेज टू द पावर थ्री प्लस थ्री माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन देन प्लस वन। इट मीन्स प्लस वन, माइनस वन, माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, प्लस थ्री देन माइनस वन देन प्लस वन, ये आपका कैंसिल ये आपका कैंसिल। देन पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू वन विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हैंस इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देन लास्ट पार्ट, एक्स क्यूब पी ऑफ एक्स इज गिवन टू बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस अंडर रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट टू। कर दो बेटा वैल्यूज पुट, p of minus 1, it means minus 1 cube, minus 1 square, then minus 2 plus under root 2 into minus 1, then plus under root 2. It means it is negative, positive, but यहाँ negative है तो negative, then जब इसकी multiply इससे करोगे और ये बाहर minus है तो minus minus plus, then minus under root 2, यहाँ से plus root 2. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू माइनस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू, ये कैंसिल, दैट पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, हैंस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है,
यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, इसने दिया हुआ है बेटा सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. राइट, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन हो आप क्या करोगे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम. राइट, यूजिंग फैक्टर थ्योरम. इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इट मीन्स. हाँ जी बेटा, इट मीन्स एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. कर दो इसमें वैल्यू पुट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू टू इंटू माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस वन. इट मीन्स नेगेटिव नेगेटिव इंटू टू, यानी कि माइनस टू देन प्लस, प्लस वन माइनस माइनस, प्लस टू देन माइनस वन. इट इज़ कैंसिल, इट इज़ ऑल्सो कैंसिल. सो यहाँ से क्या आ गया, पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो. मैंने जब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट की तो मेरे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया. इट मीन्स यस, जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. राइट, अब देखो बेटा नेक्स्ट सेकेंड. सेकेंड का सेकेंड पार्ट देखो बेटा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. राइट, तो उसने बोला इफ इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो. इट मीन्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस टू. राइट, तो ये वाली वैल्यूज मैं पुट कर दूं तो क्या आ गया, पी ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू देन प्लस वन. बेटा माइनस टू रेज टू द पावर और नंबर, तो नेगेटिव आंसर आएगा, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, देन प्लस टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, बिकॉज पावर इवन थी तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव. देन थ्री टू ज़ा सिक्स एंड प्लस माइनस माइनस देन प्लस वन. बेटा एट माइनस एट एंड माइनस सिक्स प्लस होगा, लेकिन साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा. यहाँ से देखो बेटा, माइनस एट एंड माइनस सिक्स विच इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन, प्लस ट्वेल्व एंड प्लस वन थर्टीन. इट मीन्स माइनस वन. देन पी ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन विच इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. हेंस जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. राइट, अब आते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे. इसी का थर्ड पार्ट देखो बेटा क्या कह रहा है. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस सिक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री. तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि या तो ये इक्वल टू ज़ीरो होगा या ये इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर. देन मैंने मान ला इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, सो एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा. कर दो इसमें पुट, पी ऑफ थ्री, थ्री क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स. यहाँ से ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री टू थ्री, थ्री जा नाइन, नाइन एंड फोर थर्टी सिक्स प्लस थ्री देन प्लस सिक्स, थ्री प्लस सिक्स नाइन. राइट, इट मीन्स ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स, इट मीन्स पी ऑफ थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो. राइट, ज़ीरो आ गया, तो हैंस जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन. थैंक यू.